एबीपी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में दबंगों का कहर फिर से तबाही मचा रहा है और पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौतियां मिल रही हैं। वहीं जनपद से एक और मामला सामने आया जिसमें पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए बताया कि मेरा नाम सोनी, पत्नी सुनील कुमार है और मैं खमहोरा थाना अंतरा जिला बांदा की रहने वाली हूँ। मेरे द्वारा दिनांक 19/9/2022 को प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष अंतरा और प्रार्थना पत्र देकर विपक्षी गढ़ों द्वारा मारपीट किए जाने की कोशिश की गई थी जिसमें मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। श्रीमान जी के समक्ष मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत हुई होगी किंतु उक्त विपक्षी गढ़ों में से लक्ष्मी पुत्र छिद्दू, रवि पुत्र लक्ष्मी, भोले पुत्र लक्ष्मी, मनीष पुत्र लक्ष्मी, राजेश पुत्र छिद्दू निवासीगढ़ ग्राम खमहोरा जब अस्पताल से लौटकर घर पहुंचे तब उक्त लोग मेरे घर में चढ़ाई करके आ गए और फरसा वे तमंचा के शोध पर धमकी देते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र वापस कर लो नहीं तो तुझको परिवार सहित जान से मार देंगे। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई लेकिन सही धाराएं नहीं लगी। पीड़ित ने आगे बताया कि उक्त व्यक्ति गुंडा वे अपराधी व्यक्ति है जिससे मैं वे परिवार परेशान है। महिलाओं के साथ आए दिन अभद्रता हो रही है। उक्त व्यक्ति किसी भी समय कोई भी अनहोनी घटना घटित कर सकते हैं जिससे उक्त लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है। इस प्रकरण के संबंध में उक्त दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित के परिवार एवं स्वयं उनकी जानकारी की सुरक्षा की जाने की मांग की गई। बांदा से प्रवंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या समस्या है सोनी, किस बात को लेकर के आई हुई है? हम ये इस बात को लेकर आए हैं कि चार लोगों ने हमारे घर पे घुस के हमें मारा पीटा, हमारा हाथ टूट गया और हमें रोज धमकियां देते हैं, कहते तुम थाना पुलिस करोगे तुम्हें जान से मार देंगे तुम्हारे पति को। तो हम इसीलिए हमारी सुनाई ना थाना में जाते हैं, दो चार बार गए भी है। ये बताओ कि जिन लोगों ने मारा कौन लोग हैं, क्या नाम है? एक पिता का नाम है लक्ष्मी और लड़के का नाम है एक का मनीष, एक का भोले, एक का रवि। वजह क्या थी मारपीट करने को लेकर? वजह ये थी कि छोटे छोटे बच्चे थे, हमारा छोटा बच्चा है करीब 8 साल का होगा और उसका बच्चा है करीब 15 साल, वो पढ़ता नहीं। तो उसने मेरा बच्चा बैठा था तालाब पुलिया के ऊपर, तो बच्चे वाली बात वो मछली मारता कटिया में फंसा, तो वो आया उधर से तो मेरे बच्चे को गाली दिया। उसने कहा कि भोसड़ी के मादर चो तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ से भागो नहीं तलिया में इसी पुलिया में घुसेर के मार डालूंगा। कौन कह रहा था ये? उसी का बच्चा छोटा है, उसके 5 लड़के। अच्छा, तो लड़का तुम्हारे लड़के को कह रहा था? हाँ, मनीष ने कहा कि मैं तो उसका बड़ा भाई कि अभी तू ज्यादा करेगा तुझे पुलिया में घुसेर के यहीं पे मार देंगे। अच्छा, मनीष ने कहा था? हाँ। अच्छा, तो इसी बात को लेकर के विवाद हुआ था क्या? तो बस यही बात इतनी हुई थी उस दिन। हाँ। एक दिन पहले की बात है। हाँ। और बात कोई नहीं थी, हमने कहा कि बच्चे बच्चों को झगड़ा कह रहा था, मार थोड़ा डालेगा, हो गया खत्म करो। हमने कहा कि हो गया खत्म, हमने कोई विवाद नहीं अंदर रखा, न हमारे पास कोई मलाल था। तो आपको कब मारा इन्होंने? तो इन्होंने सुबह मुझे 6 बजे आकर, मैं अपने घर पे अंदर बर्तन धुल रही थी, मैंने नहीं देखा कि कितने समय आए और मुझे आकर ये चुप्पे लुकते लुकते आए थे और मुझे लाठी कुल्हाड़ी लिए थे, फरसा भी लिए थे और ये मारने लगे हैं मुझे। ये मेरा देवर मुझे देखा कि भाभी को मार रहे हैं, ये आया दौड़ के बचाने के लिए, इसको मुंह फाड़ती है फरसा मार कर। अच्छा, तो थाने में FIR कर दी है? थाने में FIR। कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई कि नहीं हुई? गिरफ्तारी वगैरह कुछ भी नहीं हुई। कुछ नहीं, कहाँ आए थे आज आप लोग? हम यहाँ आए थे SP साहब के पास, मुलाकात हुई? हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि धाराएं, वो दरोगा साहब ने धाराएं कम लगाई है। SP साहब ने क्या कहा है? SP साहब ने ये कहा कि हम धाराएं बढ़ाएंगे, उन्हें गिरफ्तार कराएंगे।